जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप तमाम दोस्त। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। वेलकम बैक बिजनेस गैलरी चैनल। आज जी माशाल्लाह से आपको मैं बताता हूँ कि हमारी जो पाई डव है उसने माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चा हैच कर लिया हुआ है। और ये देखें मेल जोन सा जी बच्चे के ऊपर बैठा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 3-4 दिन पहले मैंने इसके एग्स चेक किए थे तो मुझे लग रहा था कि जैसे ये जोन से गंदे हैं, इनमें से बच्चा नहीं निकलेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा निकल आया है। मैं अंडे उठा के इसके फेंकने लगा था, मुझे ऐसे लग रहा था कि इसमें से बच्चा नहीं निकलेगा। ठीक है जी, ये देखें माशाल्लाह से बच्चा आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल छोटा सा मुन्ना सा बच्चा निकल आया। अंडे उठा के फेंकने लगा था लेकिन फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं यार अंडे पड़े रहने देते हैं, शायद बच्चा निकल आए, क्योंकि लास्ट क्लच भी जो इससे पहले वाला क्लच था वो भी इन्होंने ज़ाया कर दिया था। मेरे ख्याल से मेल जो उनसा ना वो अंडे में बच्चा नहीं बना पाया था, बुत नहीं डाल पाया था। ठीक है, बुत नहीं डाला अंडे में, तो इस बार मैंने सोचा, मैंने कहा यार इसको जो उनसा ना देखते हैं कि इस बार क्या करते हैं, क्योंकि 14 से 15 दिन हो चुके हुए थे तो बच्चे नहीं थे निकले। लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं यार पड़े रहने देते हैं, शायद बच्चा निकल आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बच्चा निकल आया हुआ है और पाइड है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पाइड की फ़र्स्ट ब्रीड है मेरे पास। तो अभी तक बाकी एक और पाइड का पेयर लगा हुआ है, उसने तो अभी ब्रीड नहीं की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें मैं आपको दूसरे पेयर का शो करवाता हूँ। ये देखें सिल्वर पाइड की फ़ीमेल है और डायमंड पाइड का मेल है जो कि रेड का स्प्लिट है। ठीक हो गया जी, ये देखें बाकी ये पेयर जो से हैं ये तो यूजुअली जो से हैं ब्रीड कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें सामने इसका बच्चा निकला हुआ है और ये जो पीस बैठा हुआ है ग्रीन वाले पोर्ट के ऊपर, ये जो सा माशाल्लाह से ये ओपल का पीस है। शौक करें तमाम दोस्त, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, ये आप शौक कर सकते हैं। और बाकी ये जो सा जी यहाँ पर भी 2 अंडे पड़े हुए हैं और एक अंडा तो कंफर्म गंदा हो गया हुआ है इसमें, तो देखेंगे 1-2 दिन में इसको भी इन्होंने अंडे छोड़ दिए हैं, इनको बीट करना भी है अंडे का, इनको बीट नहीं कर रहे, देखते हैं अगर इन्होंने अब ये ना बैठे मज़ीद 1 दिन या 2 दिन तो इनके अंडे उठा के जो उनसे मैं फेंक लूँगा। ठीक है जी, ये वो पेयर है जो रहमान से आया हुआ है, बड़े अच्छे दोस्त हैं अपने रहमान, कबूतरबाज भी हैं और बर्ड लवर भी हैं, फिंच लवर हैं, डब लवर हैं, ओवरऑल बर्ड्स लवर हैं बेसिकली वो। तो ये थी जी आज की सूरत हाल, मैंने कहा यार खुशी की खबर है, आप दोस्तों के साथ भी शेयर की जाए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दिया करें यार, हौसला अफजाई हो जाती है इस तरह। बाकी जो सा मजीद जो सी है जी अपडेट आपको इंशाल्लाह करते रहा करेंगे, जो भी आगे ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो रहा है उसके अलावा ब्रीडिंग टिप्स वगैरह ब्रीडिंग फार्मूलाज वगैरह मैं आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों के साथ। और अभी जो मौसम के लिहाज से जो भी अपडेट हुई वो मैं इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूंगा आप दोस्तों के साथ। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, आप दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ आप दोस्तों को मिल सकें। तो ये जोन सा जी मैंने आपके साथ अभी एक और बड़ी ज़रूरी वीडियो बना के शेयर करनी जो इस मौसम के लिहाज से बहुत अहम है, उसमें मैं बताऊँगा कि एक मैं आप लोग दोस्तों के साथ मेडिसिन शेयर करूंगा कि जो इस मौसम के हवाले से बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी मेडिसिन है वो, और यकीन करें जादू वाली मेडिसिन है कि आप अपने बर्ड को देंगे तो आपका बर्ड जो है वो दिनों में रिकवर हो जाएगा, दिनों में नहीं बल्कि घंटों में रिकवर होगा। ठीक हो गया जी, आपने बस जो है ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो है ना वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो इस मौसम के लिहाज से वो बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट मेडिसिन है, और वो मेडिसिन जो सी अगर किसी भाई को किसी भी सिटी में अवेलेबल ना हो तो वो दराज से भी मंगवा सकता है। दराज एक ऑनलाइन ऐप है, आप उस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वो वहाँ पे आपको अवेलेबल होगी। उसका इंशाल्लाह पूरी डिटेल बना के आप वीडियो के साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगा आप दोस्तों के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा यार। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।